बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुज़ुर्गों। दोस्तों मैं पहले जी तरह तेरे सामने एक नवी वीडियो लैके हाज़र होया जी कि तुम देख रहे हो। एक नुस्खा जोड़ा है बनाया गया है, एको जो पहले असं वीडियो दे चुके हैं जालम पट्टी का नुस्खा भी और जालम पट्टी की मुकम्मल वीडियो भी। तो यह तेरे सामने हूँ जालम पट्टी जी है ना नफ्स वास्ते ये पट्टी बनावे असी। सिर्फ तुहानू मैं पट्टी बनाने का तरीका दसन लग्या इहदे च कि पट्टी लैनी है डाक्टरी पट्टी जिहड़ी हुंदी कपड़े की लैनी है और ये ज़्यादा तो ज़्यादा 3 से 4 इंच लंबी होनी चाहिए है। अगर कपड़ा ज़्यादा होवे इहदी तह जिहड़ी है वह छोटी कर लवो ताकि 3 तहवां दे विच कर लवो या 4 तहवां जिन्नी तह थोड़ी जी मोटी होगी उन्नी वह तकलीफ नहीं देगी। तो इस तरह ये पट्टी लैनी है तो इस दे उत्ते लेप बनानी है। ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ियाँ ने वो 3 पट्टियाँ करनिया ने। तो जड़ी पट्टी तो लगानी है ज़्यादा तो ज़्यादा 1 इंच चौड़ी हो जाए क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी तो फिर जोड़ा ना बाकी जिसम का हिस्सा जोड़ा ना वो खराब होएगा। यह बड़ी एहतियात न लगानी है। यह तुसी देख रहे हो यानी कि यह तुहानू एक प्रैक्टिकल दसन लग्या कि यह चीज़ एक नफर का हिस्सा है तो इंदा ऐ वाला जिहड़ा हिस्सा है इनू छड़ के ते इस हिस्से तो शुरू करके ते एंड तीकर जिहड़ी ना ऐ लगानी है यानी कि जिस तरह के असीं इहदी तुसीं देख रहे हो कि अगर इत्थों लैके तो वह पूरी सारी आएगी इस तरीके नाल ऐ लगा के। अगर इस दे उत्ते कपड़ा लपेट दोगे तो फिर भी ठीक है, अगर इनू बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो फिर इस पट्टी के अंदर अगर प्लास्टिक का पेपर कट के रख दियो दरम्यान दे विच फिर इन्हें बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी क्योंकि कुछ लोगों की जिल्द जी बड़ी हार्ड होंगी है कुछ लोगों की जी जिल्द वो सॉफ्ट होंगी है। तो यह दोस्तों यह तरीका है यह सौन वेले लगानी है तो सुबह जी ना उतार देनी है इन्दे नाल जी ना जी नफ्स की उपली चमड़ी हैगी है जी स्किन होएगी उखड़ जाएगी। उस तो बाद जी ना जी एक दिन लगानी है दूसरे दिन लगानी है तीसरे दिन 3 दिन काफ़ी होंगी है। अगर इस तो ज़्यादा लगाने की जरूरत हो ज़्यादा तो ज़्यादा 7 दिन लगानगी है वह भी अगर वो बंदा ही लगाएगा जिन्हों के जिल्द जी बहुत ज़्यादा सख्त होएगी। तो उस तो बाद जनाब जरा कि उस ठीक करने वास्ते खलड़ी उतर जाएगी उन्होंने ठीक इस तरह करना है कि उस दे उत्ते अगर देसी घी अवेलेबल है कोल मौजूद है बल्कि वो रखना पड़ेगा वो फिर रुई दे तुंबे दे नाल वो जड़ा ना वो दाड़ी दी 2-3-4 दफ़ा लगाया लगाना पै करेगा। अगर उस तो बाद अगर वो नहीं है तो फिर जैतून का तेल लगा लिया करना रुई दे तुंबे दे नाल 2-3 दिन इस तरह लगाना। उस तो बाद साड़ी वीडियो पहले भी मौजूद है तिलाए खास तिला खास न्यू फार्मूला भी हैगी तिला खास दी भी हैगी है और उस तो बाद वो तिला जड़ा ना वो लैना है और वो तिला जड़ा ना वो दोबारा पूरी शीशी जी है वो आस्ता आस्ता इन्हें मुकम्मल करनी है। तो इंशाल्लाह ये इस तरह होएगा कि ये रिपेयर हो जाएगा इन्हें नई जिंदगी आएगी नई ताकत आएगी और बड़ी बेहतरीन और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होएगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ़ायदा होएगा। उम्मीद है कि दोस्तों ने वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और इंशाल्लाह अगली वीडियो नाल फिर मिलेंगे। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।